whether you sing on track or on with orchestra, but live Gaana itself is an achievement. Then we should all pat our backs कि we are singing live, है ना? अब देखिए perfection के scales अलग अलग हैं. I mean, yeah. So I will not take much of time. I am handing over. The greatest of all time, Messi, has reached the gates of glory. But standing in front of him is the galaxy of stars from France. मैंने वो दिन देखे हैं जब किसी को कोई गाना उसके लफ्ज कंठस्थ हो तो वो टॉक ऑफ द टाउन हो जाता है. इनको गाने आते हैं, हम तो गाने गाते हैं तो कितनी बड़ी बात है. आज आप उस मकाम पे आ गए, पर मैंने तो वो दिन भी देखा है कि किसी के घर में रेडियो हो तो उसे हम सुल्तान की तरह देखते थे. मेरे घर में संगीत का प्रतिबंध था, आज भी है. मेरे पिताजी अगर बैठे होते मैं गाना नहीं गा सकता. तो कभी भी ये मत सोचिएगा कि मैंने गाना कैसा गाया, हमेशा ये सोचिएगा कि मैं ईश्वर की दी हुई फर्ज पूरी कर रहा हूँ. गाना बढ़िया ही रहेगा.
टाइम की कमी है नहीं तो आपको छोड़ते नहीं है, सही बता रहा हूँ, ये फैक्ट है। एक बात है, जितना आप स्किल में आगे जाओगे ना उतना सुकून में पीछे जाओगे जहाँ आगे। तो बड़ी बात बोली आपने, जितना भी स्किल में आगे जाओगे बड़ी बड़ी बात बोली, सुकून में पीछे जाओगे। कभी भी बोले इसीलिए हमसे कोई वर्तन में कमी हो जाए या गलती हो जाए तो आप हमेशा क्षमा कर देना, क्योंकि हम बहुत सारे टेंशन न वो विचार न वो लेके चलते। कभी कभी ऐसा भी होता है जाना कहाँ होता है, चले जाते हैं कहाँ, फिर याद नहीं लग रहा है, क्योंकि पूरा म्यूजिक में ही दिमाग रहता है और बस गलतियां हो जाती है। इसलिए हमारा फैमिली है, कोई क्षति हो गई तो माफ करना। पहली बार सर को सुना, मैंने आपके पैर सुना चाहती हूँ सर। द परफेक्ट ऑफ ऑल दिस सॉन्ग एक्चुअली जो पहला वर्ड सर क्या हुआ, तो परफेक्ट टेक्सचर, जिस टेक्सचर में कोई आपको ऊपर नीचे करने की जरूरत नहीं है, दैट वॉइस। एंड जो उन्होंने बोला कि जितना आप स्किल में आगे जाएंगे उतना सुकून भी, तो सही बात है। वी डोंट हैव टू सिंग कैलकुलेटिवली, हमें मैथमेटिक्स लगानी ही नहीं है। सो उनके कैलकुलेट दिख गया जरा, थैंक यू सो मच, अमेजिंग। पहला शो बंबई में था ना, तो बंकिम भाई ने मुझे कहा था कोई भी आप डुएट एक बम्बई में क्या फेमस है ना, वो अहमदाबाद वालों को मालूम होता है, वहाँ की प्रोडक्ट मोहनलाल का मिठाई है। तो याद रहे कि तुझे बहुत संघर्ष झेलना है, क्योंकि तुझे अहमदाबाद की मिठाई वहाँ खिलाएंगे। अगले महीने 26 को मेरा वहाँ पे वन मैन टिकट शो हो रहा है, सॉरी फरवरी में। मैं पहला जो आर्टिस्ट हूँ गुजरात का, जो उसका वन मैन शो उधर होगा और टिकट शो होगा। हॉल बुक करेगा वहाँ पे 100 टिकट बुक हो गई। वेरी गुड। अब मैं नहीं जानता कि भाई क्या है, पर माता जी की रहमत है बस, और कुछ नहीं है। सिंपलिसिटी बहुत कम थी, सिंपलिसिटी ही होनी, दैट इज सिंपलिसिटी। देखिए जब हम ऊपर उठते हैं ना तो पता नहीं चलता कि हमें खूबी क्या है, और गिरते हैं तो पता नहीं चलता हमें कमी क्या है। तो कुदरत है भाई। आई गेट दिस अपॉर्चुनिटी को रिक्वेस्ट करूंगा नीलेश भाई से कि नीलेश भाई कोपल जी हैं, मैं हूं, तो वी कैन फॉर्मुलेट अ वेरी गुड आई थिंक प्रोग्राम फॉर सम डुएट्स एंड फॉर सम सोलोस, एंड आई विल रिक्वेस्ट बोथ ऑफ यू बिकॉज़ दैट विल बी अ बिग द बेस्ट थिंग टू हैपन। परफेक्ट एंड नॉट, आई एम नॉट सेइंग राइट नाउ, बट मे बी फ्यूचर में जब आपका टाइम हो, उनके पास टाइम, बिकॉज़ दे आर बोथ बिजी, आई नो व्हाट इज देयर शेड्यूल, बट दिस इज माय रिक्वेस्ट इन फ्रंट ऑफ ऑल म्यूजिक लवर्स। आपसे वादा है एक बार नहीं, अपने 10 बार करेंगे। रात को चाय नाश्ता सब बराबर है, और टाइटल ही देंगे रात है ऐसी मत वाली, तो थैंक यू। अरे आप सबको इतना प्यारा वादा, उसमें रफी साहब वाला पार्ट चाहिए ना, कोई भी आप इशारा।
ये हमारे छोटे भाई के लिए तालियां। कारण ये है कि बाजा कितना भी गुरूर करे कमाल हवा का होता है। सिंगर है तो इंटर बदल लेते हैं। मेरे भाई की हमेशा मैं इज्जत करता हूँ। उत्तर प्रदेश की राजधानी शू छे? भारत में सबसे लंबी नदी कई छे? इंडियन ओशन।
गाना है फिर क्या हुआ तेरा वादा, जिन जिन गानों में अवार्ड मिला है उनको एक दाल पर तो था बोले सारे अवार्ड के साथ उनके घर में मैंने फोटो खिंचवाए हैं। और मैं एक बात बताऊं कि ये गाने के अंदर तो शूटिंग के दौरान धर्मेंद्र जी लिपसिंग नहीं कर पा रहे थे, तो बकायदा रफी साहब के घर गए थे और पूछा था कि आपने कैसे गाया वो बताइए, लिपसिंग करना है। तो कई सारी बातें हैं कि भाई रफी साहब क्यों रफी साहब थे, तो उनके गानों में होठ खिलाना मुश्किल था। गाना तो बहुत मेरे कंपटीशन था, मैं गाना तैयार कर रहा था तो कुहू बोले कोयलिया, तो 6 घंटा सफर था, ट्रेन में जाना था। मैंने मेरी वाइफ से कहा था कि मैं तुझसे बात नहीं करूंगा, मैं तैयार कर रहा हूँ। बोरी वाली उतरे तो बोले कितना तैयार किया, तो मैंने कहा कि मैंने आधी लाइन तैयार कर ली। 6 घंटे में आधी लाइन, मैंने बोला पर वो आधी लाइन है क्या, वो तो तू देख जहाँ पे लता जी अपना गाना पूरा करती है। सज सिंगार ऋतु आई बसंती जैसे नार कोई हो रस बनती, हाँ रफी साहब की एंट्री है। आधी लाइन में 6 घंटे चले जाते हैं और कभी कभी 6 गाने 2 मिनट में हो जाते हैं। स्पेशली ये गाने में जो स्टार्टिंग लाइन है, ये दिल तुम बिन कहीं लगता रहे, ये दिल तुम का जो सुर है दैट इज वेरी टिपिकल, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू टेक दैट सुर इन वन, क्योंकि वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, आपको एग्जैक्टली नहीं आता, तो इट इज अ वेरी डिफिकल्ट सॉन्ग ऑल टुगेदर एंड वेरी फॉर्चुनेट टू सिंग विद यू सर। एक्चुअली जब भी ड्यूएट होता था ना तो लता जी जो ऐसा आग्रह रहता था कि पहले मेरा अंतर रहेगा, आप दूसरा और एक बार शाहिद जी जो है उनके सन रफी साहब के, उनसे एक बार मिलने का मौका मिला, तो दिस सॉन्ग इज वन ऑफ हिज फेवरेट्स आल्सो, सो इट्स अ वेरी वेरी अमेजिंग सॉन्ग एंड लाइक थैंक यू सो मच।